फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि यूज टू बी क्या है। आप कहते हैं कि मैं यूज टू जानता हूं कि यूज टू का मतलब करता था, और इस वर्ड से पास्ट में हुई कोई आदत को दिखाते हैं कि गुजरे हुए वक्त में कोई आदमी आदतन कोई काम किया करता था। लेकिन आप कहते हैं कि मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि यूज टू बी क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कन्फ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यूज्ड टू बी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है किया जाया करता था। जैसे मुझे पीटा जाया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई यूज्ड टू बी बीटन, यानी मुझे पीटा जाया करता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इस टॉपिक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू बी, फिर बी के बाद आने वाले वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस टॉपिक से ये पता चलता है कि गुजरे हुए वक्त में किसी नाउन के साथ कोई काम हुआ करता था, यानी आदतन वो काम हुआ करता था। अगर आपको कहना हो कि मुझे पीटा जाया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई यूज टू बी beaten, यानी मुझको पिटाई किया जाता था, उसे पढ़ाया जाया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे he used to be taught। अगर आपको कहना हो कि यहाँ इंग्लिश पढ़ाया जाया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे English used to be taught here, यानी यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया जाया करता था। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि यहाँ पर चोरों को सजा दिया जाता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे The thieves used to be punished here, यानी यहाँ पर चोरों को सजा दिया जाया करता था। अगर आपको कहना हो कि वहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे The patients used to be treated there, यानी वहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता था। अगर आपको कहना हो कि हमारी मदद की जाती थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे We used to be helped, यानी हम लोगों की मदद की जाती थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको used to be का मतलब समझ में आया, कि जब आपको कहना हो कि गुजरे हुए वक्त में किसी नाउन के साथ कोई काम हुआ करता था, या किसी नाउन के साथ कोई काम किया जाता था, यानी आदतन कोई काम किया जाता था, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू बी के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।